हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम श्रीवास्तव आज आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूँ। इसमें हम इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है। सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट। मतलब सेल एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी केमिकल एनर्जी जो होती है उसको कन्वर्ट करती है किसमें, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और उसके बाद क्या करती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होते हैं वो क्या करे जाते हैं, चलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक सेल को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल को खोजा था, उनका नाम है आपका अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अलेक्जेंड्रो वोल्टा जो थे आपके इटालियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल को प्राप्त करा था, इसको मॉडिफाइड करा था। हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लैक्लांसे सेल। लैक्लांसे ने आपकी इलेक्ट्रो आपकी अलेक्जेंड्रो वोल्टा के जो उसको कमियां रह गई थी उसको मॉडिफाई करा था किसने, लैक्लांसे सेल ने। अब हम बात करते हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक सेल जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई करा गया। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका प्राइमरी सेल, एक होता है आपका सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को हम प्राथमिक सेल बोलते हैं और सेकेंडरी सेल को हम द्वितीयक सेल बोलते हैं। तो समझते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेल होते क्या है। अगर ऐसे सेल जिन्हें आप दोबारा चार्ज ना कर सको, मतलब एक बार यूज करने के बाद जब आप उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, ऐसे सेल कौन से कहलाते हैं हमारे पास, प्राइमरी सेल कहलाते हैं। जिन्हें आप दोबारा चार्ज कर सकते हो वो कौन से सेल कहलाते हैं, आपके सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं प्राइमरी सेल में आपकी जो केमिकल एनर्जी होती है वो आपकी ट्रांसफर करी जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की, सेकेंडरी सेल में क्या होता है, आपकी केमिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करी है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसमें आपकी दोबारा वॉइस वर्सा क्या होता है, हम दोबारा इसको चार्ज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दोबारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर हम बात करते हैं सेकंड, ये जो होते हैं इनकी कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, लो होती है, और इनकी कॉस्ट जो होती है वो आपकी हाई होती है। और हम बात करते हैं आपका तीसरा पॉइंट में बात करता हूं, ये क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी चार्ज्ड अगेन, मतलब इन्हें दोबारा आप चार्ज नहीं कर सकते हो। और इसमें इनको क्या कर सकते हैं हम, कैन बी चार्ज्ड अगेन, इनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं किसको, सेकेंडरी सेल, और प्राइमरी सेल को हम चार्ज दोबारा नहीं कर सकते। अगर हम और बताते हैं इसके एग्जाम्पल की डिस्कस करता हूं, तो एग्जाम्पल में आपको बता है आपके जो ड्राई सेल जो होता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में शुष्क सेल जो है, वो आपका किसका एग्जाम्पल है, आपका प्राइमरी सेल का। ये अलेक्जेंड्रो और आपका लैक्लांसे सेल, ये किसका एग्जाम्पल है, आपका प्राइमरी सेल का। और आपको पता है क्लॉक जो है, आप घड़ी जो होती है आप उसमें जो सेल यूज करते हो वो क्या होता है, क्लॉक हो गए, आपके टॉर्च हो गए, इन सब में आप क्या करते हो, जो सेल यूज करते हो वो सेल कौन सा होता है, आपका प्राइमरी सेल। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, तो आपका एक होता है इसमें लेड कंजर्वेटिव सेल, क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सीसा संचायक सेल। ये आपका किसका एग्जाम्पल है, आपका सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल। आपकी जो कार में जो बैटरी यूज करी जाती है उसके अंदर जो सेल यूज करा जाता है वो आपकी कार बैटरी किसका एग्जाम्पल होती है, आपका सेकेंडरी सेल का। इन्वर्टर हो गए आपकी किसका एग्जाम्पल है, आपका सेकेंडरी सेल का, ठीक है। आगे डिस्कस करता हूं मैं, अगर मैं आगे बात करता हूं तो आपको पता है कि
नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास मैं सेकेंडरी सेल की बात करता हूं, ये है आपका कोई एक कंटेनर, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड डिप करे हैं और इसके अंदर जो मैंने सॉल्यूशन अर्थात विलयन फिल करा है वो आपका है इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या नाम होता है, आपको पता है क्या नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं ZnCl2 और NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के विलयन क्या कर जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक होता है मेरे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक होता है मेरे पास नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं आपका कैथोड रोड और इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी एनोड रोड, ठीक है। अब हम करते क्या है इसमें, इसमें क्या करते हैं, हम एक वायर के थ्रू क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या करते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं। जब मैं इस पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इस पर अप्लाई करता हूं तो यहां पर मेरे पास ये हो गया आपका लोड वोल्टेज, जिसकी वजह से क्या होता है, मैंने यहां पर क्या करा है, आपका एक बैटरी लगाई है, जिसकी वजह से हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, हमारे पास प्लस से अवे होगी और माइनस की टुवर्ड्स होगी। ये हो गई आपकी करंट की डायरेक्शन। यहाँ पर जो है ये जो है आपका, आप सोच रहे होगे सर्किट तो कंप्लीट नहीं, पर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है ये क्या करने लगता है, इसको सर्किट को कंप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से मेरे पास इसमें क्या होती है, करंट का फ्लो होता है। अगर हम बात करते हैं मेरे पास अगर करंट की डायरेक्शन आपकी ये है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी भाई, ये वाली, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड रोड से किस पर जाएंगे, एनोड रोड पर, ये गए इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आपको पता है यहां से, आप देखो यहां से कि हमारे पास ये करंट की डायरेक्शन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपकी अपोजिट। तो इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं सेल में फ्लो होने के लिए, उसी को हम कौन सी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब आपके पास एनर्जी प्रोवाइडेड बाय अ सेल टू यूनिट चार्ज पासिंग थ्रू इट। अगर मेरे पास एक सेल को मैंने कहा है कि मेरे पास चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, कैथोड रोड से एनोड रोड पर ले जाना है, तो मुझे इसको कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर जब प्रीवियस हिस्ट्री की बात करी थी, जब पहले लोग थे उन्होंने कहा यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो इसको इलेक्ट्रॉन को कैथोड रोड से एनोड रोड पर ले जा रहा है, इसीलिए उन्होंने बोल दिया ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये फोर्स ना होकर ये क्या है, आपकी एक एनर्जी है, ठीक है, जिसे हम क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई बराबर होता है आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब आपका Q बराबर एक यूनिट चार्ज पर जितना मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अर्थात वर्क प्रोवाइड कर रहा हूं वो क्या हो जाएगा, मेरे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपका सेल का शेप एंड साइज क्या है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इट डज नॉट डिपेंड ऑन सेल शेप एंड साइज। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास सेल का शेप एंड साइज क्या है, तो ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड इस बात पर करता है कि आपने सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट फिल करा है और आपने कौन सा इलेक्ट्रोड चूज करा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं डिपेंड ऑन यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड और जो आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज करा है ये उस बात पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका टर्मिनल वोल्टेज, सेकंड डिस्कस करता हूं टर्मिनल वोल्टेज, इसको हिंदी में भी हम टर्मिनल वोल्टेज ऐसे ही लिखते हैं। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जब आप एक्सटर्नली कोई रेजिस्टेंस अप्लाई करते हो
तो हमारे पास इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। मतलब दो टर्म के अलोंग जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो मैं यहां पर टर्मिनल वोल्टेज को लिख रहा हूं द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल लोड, तो वही क्या है जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आया है किसके बीच में, रेजिस्टेंस अप्लाई जो करा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आपका टर्मिनल वोल्टेज। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपसे, आपका एक होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं हिंदी में आंतरिक प्रतिरोध। देखिएगा अगर हम आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं, जब मेरे इलेक्ट्रॉन जो है ये कैथोड रोड से इलेक्ट्रो ये क्या आपके एनोड रोड पर जाएंगे, तो होगा क्या इन इलेक्ट्रॉन का अपोज कौन करेगा, ये जो विलयन होगा इसके अंदर ये क्या करेगा, इनका इलेक्ट्रॉन का अपोज करेगा, जिसकी वजह से सेल में एक इंटरनली रेजिस्टेंस डेवलप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो अपोज कर रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो हमारे पास रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है आपका इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू वो क्या हो जाएगा, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से मैं लिख रहा हूं द रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ये आपका किस किस बात पर डिपेंड करता है ये देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप ये जो आपने इलेक्ट्रोड यूज करे हैं कंटेनर के अंदर, अगर मैं इनके बीच के डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा, मैं यहां पर क्या करता जा रहा हूं, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं। जब मैं इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो मेरे पास पहले मैंने कहा ये थी, बाद में डिस्टेंस हो जाती है इनकी इतनी हो जाती है, तो इसके बीच में हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट आएगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो आपकी इलेक्ट्रॉन का अपोज ज्यादा होगा, तो मतलब रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका ज्यादा होगा अगर आप डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं, डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं डेंसिटी होती क्या है, अगर मेरे पास सपोज दैट यहां पर है आपका इतना है, नेक्स्ट जो है वो आपका इतने ही स्पेस पर क्या है, आपका एक दूसरा सॉल्यूशन बड़ा हुआ है जिसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो कैसा होगा, मेरे पास थिक होगा नहीं होगा, मतलब वो कैसा होगा, गाढ़ा लिक्विड होगा, और ये कैसा लिक्विड है, थिन लिक्विड है, तो इलेक्ट्रॉन का कहां पर अपोज ज्यादा होगा भाई, थिक लिक्विड में ज्यादा होगा। तो यानी कि डेंसिटी ज्यादा करने पर मेरे पास रेजिस्टेंस जो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये क्या है आपका रो, क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड जो है वो आपका बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा। देखिएगा सपोज दैट मैंने कहा है मेरे पास ये थे आपके इलेक्ट्रोड, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इनका एरिया बढ़ा रहा हूं, पहले इतना मेरे पास इसका इलेक्ट्रोलाइट आ रहा था, अब जब मैं इनका एरिया बढ़ाऊंगा, ये क्या है आपका एरिया, जब मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया, एरिया इतना बढ़ा दिया, इसका भी मैंने एरिया बढ़ा दिया,
जब मैं एरिया बढ़ा दूंगा तो इसके अंदर विलयन जो होगा, जो सॉल्यूशन जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन कम हो जाएगा, या मैं बोल दूंगा डिस्टेंस जो होगी वो कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो यानी कि एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इंक्रीज करने पर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां पर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे किसी भी लिक्विड का, अगर मैं सपोज दैट यहां पर कोई लिक्विड फेल था, मैंने इसका टेम्परेचर जब मैं बढ़ा दूंगा तो इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये जो है ये लिक्विड कैसा हो जाएगा, आपका थिन हो जाएगा। और अगर ये लिक्विड थिन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, इजिली मूव कर लेंगे। तो मेरे पास टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, मेरे पास कम हो रहा है। ये तो टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपका क्या क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। सपोज दैट मैंने कहा है मेरे पास ये एक सेल लगा हुआ है, इससे कोई मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो मैंने कहा है इनके बीच में आप रिलेशन बताइए। अगर यहाँ से आपको पता है सेल से क्या होगा, पॉजिटिव वाले से करंट फ्लो होगी और माइनस में एंटर हो जाएगी। तो ये देखो आपको दो तरीके से बता सकता हूं मैं, देखिएगा। एक मैं इसमें किरचॉफ लॉ भी लगा सकता हूं, आगे हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ की। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देखो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, इन रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे, डायरेक्ट ऐड कर दोगे। तो आपका आपने कितना अप्लाई करा है वोल्टेज, कितना अप्रोच करा है ई। तो यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, वी बराबर आई इंटू आर। तो ये हो जाएगा ई बराबर आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ से ई बराबर आपका आ जाएगा आई आर प्लस का स्मॉल आई आर, यही तो आ जाएगा। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने क्या करा है यहाँ पर प्लस है ये माइनस है, तो ये इसके अक्रॉस प्लस डेवलप हुआ, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। आपको किरचॉफ लॉ लगाना भी सिखाते हैं, देखिए किरचॉफ का सेकेंड लॉ कैसे लगता है। आप क्या करो, कहीं पर भी खड़े हो जाओ, किसी भी कॉर्नर पर, किसी भी कॉर्नर पर खड़े हो जाओ। अब जब आप किसी भी कॉर्नर पर खड़े हो गए और आप क्या करो, उस करंट की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दो। जब आप करंट की डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको सबसे पहले कौन सा साइन दिखाई दिया, सर हमें प्लस साइन दिखा है। तो प्लस का आई इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप ये हो गया। आगे बढ़े फिर कौन सा साइन दिखाई दिया मुझे, फिर प्लस साइन दिखाई दिया, ये कितना हो गया आपका आई इंटू आर। फिर ये क्या है आपका माइनस साइन दिखाई दिया अगले वाले उसके लिए, यहाँ पर कितना हो गया माइनस का ई बराबर जीरो। तो यहाँ से ई बराबर आपका आ गया आई आर प्लस का स्मॉल आई आर। तो ये जो डेवलप हुआ है ये क्या है आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है, इसी को मैं क्या लिख रहा हूं वी प्लस का आई इंटू आर। तो यहां से आप देखो कि मेरे पास, जब मेरे पास डिस्चार्ज, यहां से मैं लिख रहा हूं V बराबर E माइनस का आई आर, ऐसे करके भी लिख सकता हूं। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपका डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल में, जब सेल आपका डिस्चार्ज हो तब आपका E क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू V। क्यों, देखो आपको पता है E क्या है यहाँ पर, ये वैल्यू है। तो V में मैं जब मैं कुछ ऐड कर रहा हूं तब ये E के बराबर आ रहा है, तो तभी तो मैं क्या कहूंगा डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। मतलब सेल यहाँ पर डिस्चार्ज होगा तो मेरे पास ई जो होगा वो क्या होगा आपका, ज्यादा होगा किससे, आपके टर्मिनल वोल्टेज से। अगर मैं चार्जिंग ऑफ द सेल की बात करता हूं, अगर मैं चार्जिंग ऑफ द सेल की बात करता हूं तो आपको जस्ट यहाँ पर माइनस की जगह क्या कर देना है, प्लस साइन अप्लाई कर। मतलब चार्जिंग ऑफ द सेल में आपका अपोजिट हो जाता है, वी आपका ज्यादा हो जाएगा किसके कंपेयर में, ई। क्योंकि देखो अब इस बार हमने क्या करा है, E में कुछ एड ऑन करा है तब ये आया है आपके B के बराबर।
अब हम बात करते हैं इसमें आपकी टोटल करंट जो है वो कितनी फ्लो करी है, यहां से देखिएगा, यहां से तो हम बात करते हैं आई बराबर, ये आई कॉमन ले लूंगा यहां से, जब मैं आई कॉमन ले लूंगा यहां से तो क्या बचेगा आपका ई अपॉन स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर, ये हो जाएगा आपके पास सेल के थ्रू जो आपके पास करंट फ्लो हो रही है उसका मान। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम ग्रुपिंग ऑफ द सेल। ग्रुपिंग ऑफ द सेल जो है वो हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे, एक हमने वहां पर डिस्कस करा था जब हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को पढ़ाया था, तब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करा। सिमिलरली हम बात करते हैं सेल में भी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और क्या करता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने कहा है ये आपके कुछ सेल्स हैं जिनको मैं क्या कर रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ से आपका जो ईएमएफ आएगा मैंने कहा है इसका ई1 है, इसका ई2 है, इसका ई3 है, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आर1 है, ये आर2 है, ये हो गया आपका आर3। ठीक है, तो आप यहाँ से ई नेट जो आएगा आपका वो आपका आएगा ई1 प्लस ई2 प्लस ई3। मैंने कहा है आपके ई1 ई2 और ई3 क्या है आपस में बराबर, तो आपका ई नेट कितना आ जाएगा आपका 3e के बराबर आ जाएगा। मैंने कहा है यहाँ पर तीन सेल ना होकर यहाँ पर n नंबर ऑफ सेल है, जब आपके n नंबर ऑफ सेल है मैंने कहा है स्मॉल n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द सेल, तो यहाँ पर ई नेट कितना हो जाएगा आपका n इंटू ई के बराबर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इसमें रेजिस्टेंस में आपके करंट ड्रॉप जो है वो क्या है सेम है, तो यहाँ से आर नेट कितना आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर हम n रेजिस्टेंस लेंगे तो आर नेट क्या हो जाएगा आपका n इंटू स्मॉल आर, तो यहाँ से आपने देखा कि हमारे पास नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया। वहां पर हमने बात करी थी जब हमारे पास सेल लगाया जाता है तो वहां पर कितना करंट फ्लो करता है हमने ये बताया था, ये तो दिखा था वहां पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ई नेट जो है वो आपका क्या हो जाएगा ये ई नेट के बराबर ई जो है, और ये स्मॉल आर जो है ये कितना हो जाएगा आर नेट के बराबर, तो यहाँ से करंट जो है वो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी एन इंटू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस का एन आर, ये तो आ जाएगी आपकी करंट की वैल्यू। अगर मैंने कहा है कि मेरे पास R की वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा है NR से, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने अप्लाई करा है वो क्या है बहुत ज्यादा है, मैंने कह दिया 10 किलो ओम का है। ठीक है, तो यहां से I जो है वो आपका किसके बराबर आ जाएगा आपके ME अपॉन कैपिटल R, मतलब ये वैल्यू क्या होगी बहुत छोटी होगी 3 4 5, तो हम इसको क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने कहा है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है बहुत कम है आपका एन इंटू आर, तो इस केस में आपकी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिएगा यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी एनई अपॉन एन इंटू आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो आई बराबर आपका कितना आ जाएगा ई अपॉन आर, ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे डिस्कस करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है समान होता है। नेक्स्ट है हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसे हम बोलते हैं आपका समांतर क्रम। ठीक है, मैंने कहा है आपके दो सेल ले रहा हूं, एक सेल ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ये है R1, ये हो गया R2, इसका ईएमएफ है ई1, इसका ईएमएफ है ई2, तो मुझे क्या करना है यहां से करंट की वैल्यू निकालनी। तो हमें करना क्या है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि हमारे पास करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी यहां से I1 और I2 में, तो मैं लिख रहा हूं I1 प्लस का I2। ठीक है, अब हमें पता है I बराबर आपका क्या हो जाएगा यहां से ई माइनस का वी अपॉन आर, कैसे हमें पता है ये सेल क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो आपका E बराबर आपका क्या आता था V प्लस का I इंटू R, यही तो आता था, या मैं यहां से लिख सकता हूँ V बराबर E माइनस का I R, मतलब माइनस साइन आता था जब मेरे पास सेल क्या होता है डिस्चार्ज होता है, तो यहां से आप करंट की वैल्यू जब निकालोगे तो ये करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी E माइनस का V अपॉन R।
तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, I इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है यहाँ से, E1 माइनस का I1। यहाँ पर I1 क्या है, यहाँ पर आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा, मैंने कहा है ये है V, पोटेंशियल ड्रॉप V है, ये भी V है, और ये रेजिस्टेंस कितना है आपका R1, ये कितना हो जाएगा E2 माइनस का V, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप क्या है भाई, सेम है, ये कितना हो जाएगा आपका R2। हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, मैं क्या कर रहा हूँ E1 अपॉन R1 प्लस का E2 अपॉन R2 एक साइड ले रहा हूँ, ठीक है, और माइनस के साथ यहाँ पर V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 ये ले रहा हूँ। अब हम करने क्या जा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये मुझे नेट करंट चाहिए, अगर मेरे पास ये नेट करंट है तो मैं यहाँ से V बराबर क्या होता है आपका I इंटू R, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने क्या करा है यहाँ पर, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ और आई को इधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ से वी वन अपॉन आर वन प्लस का वन अपॉन आर टू दैट इज इक्वल टू ई वन अपॉन आर वन प्लस का ई टू अपॉन आर टू माइनस का आई, यही तो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका, जब मैं एलसीएम लूंगा ये कितना हो जाएगा, ये आपका आर वन प्लस का आर टू अपॉन आर वन आर टू दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा ई वन आर टू प्लस का ई टू आर वन डिवाइड बाय आर वन आर टू, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के आई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, आर वन आर टू को क्या कर रहा हूँ इधर भेज रहा हूँ और आर वन प्लस आर टू को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से वी बराबर आपका आ गया यहाँ से E1 R2 प्लस का E2 R1 डिवाइड बाय, यहाँ जब आप R1 R2 इधर ले जाओगे तो R1 R2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या नीचे R1 प्लस का R2, ये क्या हो जाएगा I, और ये कितना हो जाएगा आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस का R2, ठीक है, ये I है आपकी इक्वेशन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूँ V बराबर E माइनस का I इंटू R, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो यहाँ से ई नेट कितना आ जाएगा इसके बराबर, आई से आई ए कट जाएगा आपका, तो आर नेट किसके बराबर आपके आ जाएगा, जब मैंने आपके दो सेल लिए, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ई नेट बराबर ये कितना आ गया आपका ई वन आर टू प्लस का ई टू आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस का आर टू, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से E1, E2 आपके मैंने कहा है आपके n नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं, तो आपके EMF क्या है सबके बराबर है, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या है आपके बराबर है, तो आपका जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है मैंने कहा स्मॉल r है आपका, और EMF जो है वो आपका कैपिटल E के बराबर है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, आप स्मॉल r कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा E1 प्लस का E2, यही तो बचेगा भाई, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आर वन प्लस का आर टू एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके कितने नंबर ऑफ सेल हैं, यहाँ पर एन नंबर ऑफ सेल हैं, अगर आपके एन नंबर ऑफ सेल हैं तो कितना हो जाएगा आर इंटू एन इंटू ई, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका एन इंटू आर, तो यहाँ से एन से आपका एन कट जाएगा और आर से आर कट जाएगा, तो ई नेट जो आ जाएगा वो आपके किसके बराबर आ जाएगा आपके एक सेल के ईएमएफ के बराबर आ जाएगा, ठीक। अगर मैंने कहा है कि आर नेट बताओगे कि हमारे पास एन नंबर ऑफ सेल है, आपके कितने नंबर ऑफ सेल है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एन नंबर ऑफ सेल है, तो यहाँ पर आपका जो आर नेट निकल कर आएगा वो क्या है आपका भाई, आर नेट दैट इज इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस का आर टू, यही तो था। अब यहाँ पर अगर मैं आर नेट को ऐसे भी लिख सकता हूँ आर टू आर वन का यहाँ से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा वन अपॉन आर टू प्लस का वन अपॉन आर वन एंड सो ऑन, ऐसे करके मैंने कहा है आपके एन नंबर ऑफ सेल लगे हुए हैं, अगर आपके एन नंबर ऑफ सेल लगे हुए हैं तो आर नेट कितना आ जाएगा आपका वन अपॉन एन अपॉन आर, ये तो हो जाएगा आर वन आर टू बराबर है, तो यहाँ से R क्या पहुंच जाएगा आपका ऊपर, तो R नेट जो है ये कितना हो जाएगा आपके R अपॉन N के बराबर, मतलब अगर मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में N नंबर ऑफ सेल लगे हुए हैं तो आपका नेट EMF क्या होगा एक सिंगल EMF के बराबर हो जाएगा, और R नेट जो है वो क्या हो जाएगा स्मॉल R बाई N के बराबर हो जाएगा।
अगर मैं आगे बात करता हूं, मैंने कहा है कि मेरे पास इसमें करंट की वैल्यू बताओ। अगर मैं करंट की वैल्यू बताता हूं तो हमने क्या बताया था, आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर, यही तो बताया था। ई नेट जो है वो आपकी किसके बराबर है, एक सेल के ईएमएफ के। यहां से क्या आ गया, आई अपॉन कैपिटल आर प्लस का आर अपॉन, या मैं यहां से आई बराबर लिख सकता हूं आपका एन, कहां चला जाएगा ऊपर, एन ई अपॉन एन आर प्लस का स्मॉल आर, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट का मान निकल कर आया है वो आपका आया है एन ई अपॉन एन आर प्लस का स्मॉल आर। आगे डिस्कस कर रहा हूँ मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग क्या होती है, आपके जब आपके सेल जो होते हैं वो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में भी लगे हों और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी लगे हों, तो ऐसी ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं, मिक्स ग्रुपिंग बोलते हैं। मैंने कहा है ये सेल क्या है, आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, और ये वाले सेल जो है वो आपके क्या लगे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं। मैंने कहा है कितनी पंक्तियां जो है वो आपकी नंबर ऑफ रो जो है वो क्या है, मैंने कहा है एम पंक्तियां है। एक पंक्ति आपकी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ऐसे करके कितनी पंक्तियां हैं, एम पंक्तियां हैं। और एक पंक्ति में कितने नंबर ऑफ सेल हैं, मैंने कहा है एन नंबर ऑफ सेल हैं। आपका ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, एंड सो ऑन एन टाइम्स तक। जब आपका ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये कॉम्बिनेशन कैसा है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन कैसा है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि इस सर्किट को हटा के आप एक नया सर्किट बना सकते हो, कैसे करके, मैंने कहा है ये कुछ आप ऐसे करके बना सकते हो। जिस सेल का ईएमएफ जो है वो आपका कितना है, आपका जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता था तो सेल का नेट ईएमएफ किसके बराबर आता था, एन इंटू ई के बराबर। और आपका रेजिस्टेंस जो है वो आपका, मैंने कहा है सबका क्या है, बराबर है R3, ये है स्मॉल r के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू r के बराबर। तो यहां से प्रत्येक सेल का ईएमएफ क्या है, n इंटू e है, और आपका जो रेजिस्टेंस जो है वो आपका कितना है, n इंटू r है, ठीक। और ये कॉम्बिनेशन कैसा बन चुका है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है ई नेट जो होता है वो आपके किसके बराबर होता है, किसी भी एक सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। मैंने कहा यहाँ पर एम पंक्तियां हैं तो एम नंबर ऑफ सेल लगे हुए हैं, और एक सेल का किसी का भी ईएमएफ देख लो कितना है, एन इंटू ई। तो यहाँ से ई नेट जो है वो कितना हो जाएगा आपका, एन इंटू ई के बराबर। और आर नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एन आर अपॉन एम के बराबर। क्योंकि यहाँ पर हमने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करा था तब हमने क्या लिखा था, नेट कॉम्बिनेशन आर अपॉन एम, यही तो लिखा था भाई, क्या लिखा था, n अपॉन r, यही तो लिखा था, ठीक है। अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ पंक्तियां हैं, हमारे पास m पंक्तियां हैं, तो मैंने क्या कर दिया, m से डिवाइड कर दिया। तो यहां से आपका i जो है वो क्या होता था, आपका e net अपॉन आपका कैपिटल r प्लस का स्मॉल r, यही तो होता है। तो यहां से e net के मान और r net का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, ne अपॉन कैपिटल r प्लस का nr अपॉन m, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं करने वाला हूं एलसीएम। जब मैं एलसीएम लूंगा तो मुझे क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम करंट की वैल्यू पता करनी है। तो यहां से आई बराबर ये कितना हो जाएगा, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस का एन इंटू आर, यही तो कुछ है। अब मुझे आई की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, आई की वैल्यू मैक्सिमम। अगर मुझे आई की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो मैं क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और ये वाली वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब मेरे पास प्लस की जगह क्या हो, माइनस का साइन हो, यही तो हो। तो यहां से आपका आर बराबर क्या आ जाएगा, एन आर अपॉन स्मॉल एफ, ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं। तो आई बराबर कितना आ जाएगा आपका, एम एन ई अपॉन एम इंटू आर, ये कितना हो जाएगा, एन आर अपॉन एम मैक्सिमम करंट के लिए, ये कितना हो जाएगा, एन इंटू आर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से एन आर और एन आर जो है वो कितना लिख सकते हो आप, एम एन ई अपॉन टू एन आर लिख सकते हो। आर से एन कैंसिल हो गया तो आपका आई मैक्स जो है वो कितना आ गया, एम ई अपॉन टू आर, ये तो आ गया। अगर मैं बात करता हूं मिनिमम रेजिस्टेंस की ग्रुप कॉम्बिनेशन में, तो मिनिमम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एम ई अपॉन आपका टू इंटू कैपिटल आर,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर यूज कर लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका मिनिमम करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इतना पार्ट कवर अप करा है आपका इलेक्ट्रिक सेल और आपका ईएमएफ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वीडियो में आपका किरचॉफ्स लॉ जो हो गए, आपके मीटर ब्रिज हो गए, पोटेंशियो मीटर हो गए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।